आती। चलो मुश्किल से ही सही। मैं रवीश, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ, आप इतनी घबरा गई क्यों? मैंने कॉरिडोर में किसी की कराने की आवाज सुनी, कोई था वहां पे और उसने मेरी कमर, उसने मुझे छुआ। रवीश, देखिए, मैं जानता हूँ आप काफी परेशान हैं, काफी डर गई हैं आप, लेकिन ये घर बहुत सेफ है, ऐसे कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता, मेरा विश्वास कीजिए, आप रिलैक्स हो जाए। आप कहीं पास में थे, मेरा फोन आते ही आप जल्दी यहाँ पहुँच गए। कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, अब चले गए, अब मैं यहीं, आप आराम से सो जाएं। आज मुझे यकीन है वो ना मेरा फहम था ना था, कुछ है, कोई है। विविधा जी, हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पलट कर देखती हूँ तब कोई दिखाई नहीं देता, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे जैसे कोई चीख रहा है, कोई कुछ जोर से पटक रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने छुआ। भाभी, आई बिलीव यू, हो सकता है आप जो कह रही हो वो सारी बातें सच हो, बिकॉज ये घर जिस जमीन पर बना है उससे काफी टाइम पहले एक और घर था। आई थिंक उसी का ओनर भूत बनकर आ रहा है। अदिति ठीक कह रही है, मैंने भी कभी कभी किसी को चलते हुए देखा, एक के तो पैर भी उल्टे थे। What nonsense? तुम दोनों डराना बंद करो विविधा को। विविधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे
विविधा बेटे, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं। हाँ विविधा, ये चार दीवारी नई है ना तुम्हारे लिए, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता होगा। कालिंदी तुम बताओ ना विविधा को, तुमसे बेहतर और कौन जानता है, तुम तो पली बड़ी हो इस घर में। विविधा, हर घर की एक कहानी होती और हर परिवार का एक राज। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कई राज की बातें तुम भी जानती होगी, लेकिन हाँ एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ना तो इस घर पे कभी भूत का हमला हुआ है और ना ही कभी डायन का साया पड़ा। क्या बात है बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। नाराज तो नहीं होगी ना? करवा चौथ आ गया। डैडी जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कल करवा चौथ विविधा ये व्रत रखने की तैयारी कर रही हूँ। मैं उससे कैसे कहूँ कि वो ये व्रत ना रखे? मैं जानती हूँ शायद तू इस शादी के लिए व्रत ना रखना चाहे, तेरा दिल ना माने, लेकिन अगर तूने ऐसा किया ना विविधा तो वहां लोगों को बहुत तकलीफ होगी। माँ मैं इनको बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाना चाहती, ये लोग बहुत अच्छे लोग, अगर उनकी खुशी की कीमत मेरा व्रत रखना है तो मैं ये व्रत रखूंगी। दादी जी आप तो जानते हैं करवा चौथ का व्रत इस घर के लिए अपशकुन रहा है, शायद कोई श्राप। जब भी इस घर की औरतों ने ये व्रत रखा है कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं विविधा को ये व्रत नहीं रखने दे सकती। मैं दिल से रवीश की खुशी चाहती हूँ, मैं ये व्रत रखूंगी, लेकिन रवीश के लिए विविधा अथर्व के अलावा किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। अदिति विविधा को सर्व कर। नहीं नहीं अदिति माँ, एक्चुअली आज मैंने सुबह उठकर ही सिंजारा खा लिया। आज करवा चौथ है, मुझे लगा कि तुम्हें भी करवा चौथ का व्रत रखना। पर मैं जब सुबह उठी तब सब सो रहे थे तो मैंने किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। विविधा वो एक्चुअली हमारे घर में कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखता। क्यों? आई मीन कोई खास बात? बस तुम ये समझ लो कि रिवाजों में अंतर। माँ एक्चुअली मेरी माँ का फोन आया था आज मैं से, वो कह रही थी कि करवा चौथ का व्रत रख लेना, अगर कोई और नहीं रखना है तो मैं रख लेती हूँ और मैं अकेले ही पूजा वगैरह सब कर लूँगी। विविधा मैंने तुमसे कहा ना कि इस घर में करवा चौथ का व्रत कोई नहीं रखता, तुम भी नहीं रखोगी। कारण है इस व्रत को ना रखने के, अब तुम समझ लो इस बात को तो अच्छा। तो तुम ब्रेकफास्ट करो प्लीज। अदिति सर्व। विविधा मैंने तुमसे कहा ना कि इस घर में करवा चौथ का व्रत कोई नहीं रखता, तुम भी नहीं रखोगी। तो तुम ब्रेकफास्ट करो प्लीज। अदिति सर्व कर। क्या बात है, बड़ी सज धज के आई हैं आप। कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या आज? है कुछ,
है कुछ। ये खाइए आप गर्मा गर्म पकौड़े। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खा सकती। क्यों? मेरा फास्ट है। फिर फास्ट है? यार आपके फास्ट बड़े फास्ट आ जाते हैं। आज करवा चौथ है इसीलिए मैंने फास्ट रखा है। मैं किसी फास्ट को नहीं मानता, करवा चौथ का फास्ट मानूंगा। यार आप ये फास्ट वगैरह मत रखेगी जी आप। ओहो, ये फास्ट मैंने तुम्हारी लंबी जिंदगी के लिए रखा। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, बहुत। और सारी की सारी आपके साथ कटनी चाहिए, इसी बात पे पकौड़ा खाइए। नहीं आता है, मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इन पकौड़ों की जगह हमारी पेट में नहीं है। अथर वैसे मत करो, प्लीज खा लो ना। ले व्रत मेरे लिए बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आपने मेरे लिए नहीं खाया, मैं आपके लिए नहीं खाऊंगा। मंजिलों से परे हो अपनी दास्तां, जन्नतों की तरह हो अपना आशियां, इश्क ही पहचान हो तेरी मेरी यहां, प्यार के नाम पे हो जाएंगे फना हम दोनों। आज क्यों अजनबी हो गए? अथर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ होते तो आज तुम भी मुझे व्रत ना रखने को कहते, लेकिन मैं ये व्रत सिर्फ तुम्हारे लिए रखना चाहती हूँ, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। लेकिन मैं इन लोगों से ये नहीं कह सकती कि मैं ये व्रत रवीश के लिए रख रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अथर के सिवा किसी और को प्यार नहीं कर सकती। मुझे माँ को बताना होगा कि मुझे ये व्रत रखना है। दिल से दूर। एक्सक्यूज मी। आज नहीं तो कल वो व्रत ना रखने की वजह तो पूछेगी, तब आप क्या कहेंगी सुमन भाभी? पूछेगी तो क्या बताऊंगी, वो समझ नहीं पाएगी क्योंकि वो हमारे बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं जानती, और जब मैं बताऊंगी भी तो क्या सोचेगी, क्या समझेगी? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इस सोमवार से शुक्रवार शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना आप करने खुशियों का श्री गणेश इस सोमवार से शुक्रवार स्टार प्लस पर।